हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है मोहित पुनिया और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। बच्चे, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करने थे। पहला, टेलीग्राम ग्रुप के बारे में। टेलीग्राम ग्रुप हम लोगों ने बना दिया था, काफी बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, काफी बच्चे कह रहे थे कि टेलीग्राम चैनल पे सर मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्चुअली स्पैम मैसेज को रोकने के लिए हमें ये करना पड़ता है। और आप लोग जो इतना लड़ रहे हो ग्रुप पे, उसको अवॉइड करने के लिए हमने टाइमर बढ़ा दिया है। 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स का हम टाइमर रखेंगे, और ताकि आप जो मैसेज करो वो सोच समझ के मैसेज करो, सिर्फ डाउट पूछने के लिए। दोस्तों, एक बच्चा बोल रहा है कि दीदी ये मत करो, यहाँ पे ऐसे पोस्ट मत करो, कुछ बच्चे पर्सनल मैसेज कर रहे हैं, तो प्लीज आप ग्रुप पे डाउट पूछिए। बच्चे, ग्रुप पे ही उसका जवाब दिए जाएंगे, पर्सनल मैसेज का रिप्लाई नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा, मतलब नहीं आएगा इन सेंस, ऐसा नहीं है कि हम करना नहीं चाहते, बट हमारे पास टाइम नहीं होता इतना कि हम रिप्लाई कर पाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो टाइमिंग है, मैं एक मैसेज भी ड्रॉप कर दूंगा। वी आर ट्राइंग कि 6 से 9 के बीच में आप मैसेज कर सको PM, ओके, ताकि पूरे दिन आप पढ़ते रहो और उसके बाद आपको जो शाम को डाउट्स आए वो आप उसके ऊपर पोस्ट कर दो। उस टाइम मैं भी एक्टिव रहूंगा, मैं भी ट्राई करूंगा कि आपके रिप्लाई कर सकूं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ बच्चों ने डाउट्स पूछे थे, मैंने उनको रिप्लाई भी किया, ग्रुप पे भी रिप्लाई किया। कुछ बच्चों के डाउट्स अभी भी रह गए थे, जैसे एक तो बहुत ही फेमस सा था, तो ये वाला क्वेश्चन जो था वो बहुत ही फेमस क्वेश्चन हो गया था। ये डाउट सबको डाउट आ रहा था, तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। पहले एक दो डाउट्स ले लेते हैं, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चे, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बेटा, आपको क्या दे रखा है? 2x + 3y की वैल्यू 8 दे रखी थी आपको, एंड xy की वैल्यू 2 दे रखी थी, और आपसे पूछा था कि 2x - 3y का होल क्यूब की वैल्यू बताइए, ठीक है। यह आप लोगों से पूछा था। देखिए ध्यान से, आप लोगों को ये पता है। अच्छा, अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे 2x - 3y के होल क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो उससे पहले अगर मुझे 2x - 3y की वैल्यू पता लग जाए तो मैं होल क्यूब कर दूंगा। बिल्कुल सही सर। तो सबसे पहले मैं वर्क करूंगा कि 2x - 3y के वैल्यू क्या आएगी, किसकी हेल्प से, जो गिवन है उन दोनों की हेल्प से। देखिए ध्यान से, अगर मैं बोलूं आपको कि a + b का होल स्क्वायर, सबको पता है बच्चे कि ये a² + b² + 2ab होता है, ठीक है सर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? a - b का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चे? a² + b² - 2ab। बिल्कुल सही सर। लेकिन इस चीज को मैं एक अलग वे से लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर +2ab ऐड कर दिया, और ऐड किया है इक्वालिटी को होल्ड करने के लिए, सबट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है सर। अब ये जो टर्म्स हैं a² + b² + 2ab, ये ऊपर वाला फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है सर। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है सर a + b का होल स्क्वायर। कौन कौन सी टर्म गई बेटा? a² + b² + 2ab, ठीक है बच्चे। अब बाकी जो टर्म बची, कौन कौन सी बची? -2ab and -2ab, विच इज -4ab। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं -4ab। ये तो सिंपल हो गया। अब इसी चीज को अगर मैं बोलूं, ये आ गया आपके पास a - b का होल स्क्वायर आ गया। इसी चीज को अप्लाई करना है मुझे यहां पे। कैसे सर? यहां देखिए, a की वैल्यू अगर मैं 2x पुट कर देता हूं और b की वैल्यू 3y पुट कर देता हूं, a की वैल्यू 2x पुट कर दी और b की वैल्यू 3y पुट कर दी, तो यही फॉर्म यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो अगर मुझे चाहिए 2x - 3y का होल क्यूब, उसके लिए मैं पहले वैल्यू निकाल रहा हूं 2x - 3y का होल स्क्वायर। क्यों निकाल रहा हूं? ताकि मुझे 2x - 3y की वैल्यू मिल जाए, और फिर मैं उसका क्यूब कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो वी कैन से 2x - 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 3y का होल स्क्वायर -4 times a 2x into b 3y, ठीक है सर। बिल्कुल सही है।
2x plus 3y की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में दे रखी थी, कितनी है बेटा 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है obviously 64, माइनस 4 into 2 8, 8 into 3 24 into x into y, और xy की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी कितनी 2, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया तो ये कितना आ जाएगा बेटा 24 into 2 which is 48, तो 64 माइनस 48 कितना होगा दोस्तों 16, ये 16 किसकी वैल्यू आई, ये 16 आई 2x माइनस 3y के होल स्क्वायर की वैल्यू, किसकी होल स्क्वायर की, ये आया बेटा 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही सर, लेकिन अगर मुझे सिर्फ 2x माइनस 3y की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा 2x माइनस 3y की वैल्यू, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, ऐसा नहीं होता दोस्तों, माइनस 4 का अगर स्क्वायर करोगे तो भी 16 आएगा, तो हम बोलेंगे 2x माइनस 3y की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी है प्लस माइनस 4, क्या आए बच्चे प्लस माइनस 4, ये कंसेप्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, कभी इसके ऊपर और वीडियो बनाएंगे, जैसे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, और जिस बच्चे को ऐसा लग रहा है कि ये x होती है वो गलत है, ये x नहीं होती, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन हो गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है ये आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए बैक टू द क्वेश्चन, तो 2x माइनस 3y की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस 4, अगर मुझे होल क्यूब की वैल्यू चाहिए तो मैं प्लस माइनस 4 का होल क्यूब कर दूंगा, तो वी कैन से इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 4 के होल क्यूब के बराबर, तो प्लस 4 का अगर क्यूब करूंगा तो कितना आएगा बेटा 64, और माइनस 4 का क्यूब करूंगा तो कितना आएगा माइनस 64, तो इसका जो आंसर है वो है प्लस माइनस 64, एक बच्चे ने सॉल्व करके भी भेजा था, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, दो बच्चे हैं मैं उनका नाम भूल गया हूं, एक बिस्वा था कुछ, और उनके लिए मैंने बोला था शाउट आउट दूंगा, तो बेटा आपका मैं नाम भूल गया, मैं उनका बिस्वा शायद कुछ ऐसा नाम है उनका, तो वेरी वेल डन बच्चा, ऐसे ही पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, हेल्प करते रहिए एक दूसरों की, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था जिसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने ट्राई किया, एंड आई अप्रिशिएट दैम कि आप लोगों ने ट्राई किया, लेकिन सिर्फ एक दो ही आंसर सही आए, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, मैंने क्वेश्चन पूछा था बेटा आपसे एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे आप, इक्वल टू का ग्राफ तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू का ग्राफ कैसे आएगा ये हमें पता करना है, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये हमारी y एक्सिस दे रखी थी और ये हमारी x एक्सिस, यहां पे लिख देता हूं x एक्सिस बच्चे, और ये y एक्सिस, चलिए देखिए ध्यान से, आप लोगों को कभी भी ऐसा इनइक्वालिटी का ग्राफ आए जो एक्चुअल में 11th में आप पढ़ोगे भी, लेकिन आप तो मोहित पुनिया सर से पढ़ रहे हो तो आपको मैं 9th में ही पढ़ा दूंगा ये चीज, और समझ में भी आ जाएगी, इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि समझ में भी आ जाएगी, तब आपको देखिएगा 11th क्लास की चीजें 9th में भी पढ़ लोगे, पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए, तो आइए देखते हैं एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से सर, हमें नहीं पता ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, बस इतना पता है इससे बड़ा, लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूं आप भूल जाइए क्वेश्चन क्या था, आप सिंपल सा आपने बेसिक क्वेश्चन जो आपको आता है वो कौन सा है x plus y equal to 5 की बात कर लेते हैं, अगर x plus y equal to 5 की बात करेंगे तो आपको पता है कुछ ऐसी लाइन आएगी, एक ये वाला पॉइंट हो जाएगा बेटा 5, 0 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, 5, ये बहुत बच्चों ने ट्राई किया, उनके ग्राफ की इक्वेशन आई भी, ये ग्राफ भी आया और उन्होंने बोल दिया कि सर एक ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा नहीं हो रहा दोस्तों, देखिए ध्यान से, ये जो लाइन आ रही है ये लाइन क्या है एक्चुअल में, ये लाइन है x plus y equal to 5 के सॉल्यूशंस, और यू कैन से पॉइंट्स जो आ रहे हैं उसकी वजह से ये लाइन बनी होगी, ठीक है सर, क्या कह रहे हो सर 5, 0 एक सॉल्यूशन है, हाँ सर, क्या ये 5, 0 इसके ऊपर लाई करेगा, ये जो पॉइंट है 5, 0 ये उसके ऊपर जरूर लाई करेगा, हाँ सर जरूर लाई करेगा, समझ गए, 0.5 भी लाई करेगा, हाँ सर 0.5 भी लाई करेगा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, जैसे 1.4 हो गया बेटा, 2.3 हो गया, 3.2 हो गए, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे होंगे, उसी की वजह से तो ये इन्हीं सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तभी तो एक लाइन बन रही होगी,
हाँ सर ये समझ में आ गया, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब हुआ? अच्छा अगर आपसे बोले कि मुझे ये निकालना है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो सबसे पहले आप इक्वालिटी वाली लाइन ड्रॉ कर लीजिए। कर ली सर। तो जब आप इक्वालिटी वाली लाइन ड्रॉ करोगे उसके ऊपर आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे। बिल्कुल सही सर। देखो एक्चुअल में जो सॉल्यूशन आ रहे हैं वो तो पॉइंट्स हैं। हाँ सर आपने ये बता दिया हमें, ये समझ में भी आ गया, लेकिन आप ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की बात करिए ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ? मुझे ये चीज सेटिस्फाई करवानी है। ठीक है सर। अब ये ग्रेटर देन का साइन मतलब क्या हुआ कि ऐसे पॉइंट्स बताइए जिनका अगर एब्सिसा और ऑर्डिनेट का मैं सम करूं तो वो 5 से बढ़ाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं 6 + 0 दिस इज ग्रेटर देन 5। बिल्कुल सही सर, ये चीज समझ में आया। तो मतलब 6, 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ सर कर रहा है 6, 0 बिल्कुल। क्या 7, 0 कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर। 10, 0 कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो सेटिस्फाई कर रहे होंगे। हाँ सर ऐसे तो लाखों करोड़ों पॉइंट्स होंगे, और जब उन लाखों करोड़ों पॉइंट्स को मैं मिला दूंगा तो मुझे जो चीज मिलेगी वो मिलेगा एक एरिया। कौन सा एरिया? वो समझते हैं। देखिए ध्यान से, अगर यहां पे कोई पॉइंट है, लेट अस अज्यूम ये वाला पॉइंट, इसको मैं बोल देता हूं ये 5, 5 है। ये 5, 5 क्या इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इनइक्वालिटी में पुट करूंगा तो इनइक्वालिटी सही होनी चाहिए। जैसे ही मैं x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 पुट कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ रहा है। बिल्कुल सही। देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इसमें से अगर एक भी ट्रू होता है तो हमारा काम चल जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है मतलब इसका कि अगर हमारे पास एक भी ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा काम चल जाएगा। तो 5, 5 इज ग्रेटर देन 5 अगर इसे इनइक्वालिटी में पुट करूंगा तो। बिल्कुल सही। तो ये वाला पॉइंट भी आना चाहिए। ऐसे यहां पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे 6, 0 यहां पे, 7, 0 है यहां पे, सॉरी 6, 0 यहां है, 7, 0 है यहां, 0, 7 है, 0, 6 है। तो ये जो पूरा एरिया आया दोस्तों, ये जो पूरा एरिया आया इस साइड, इस लाइन के इस साइड पूरा इंफिनिटी तक बेटा, ये बोर्ड ऊपर ऊपर चला गया है इसके, ये पूरा एरिया, ये देखो ये लाइन इंफिनिटी की तरफ एक्सटेंड हो रही है, नीचे की तरफ इंफिनिटी जा रही है, ऊपर की तरफ इंफिनिटी जा रही है, और इसके साथ साथ ये जो एरिया आया, ये पूरा एरिया हमें इस इनइक्वालिटी से मिलता है x + y > 5 से। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर किसी को डाउट ना हो तो आप ये खुद ट्राई कर सकते हो कि x + y > 5। अरे ये तो सर सिंपल हो गया, ग्रेटर देन वाला ऊपर एरिया है, लेस देन वाला इक्वल टू वाला नीचे की साइड एरिया है। इक्वल टू का मतलब ये लाइन भी इंक्लूडेड होगी दोस्तों, ठीक है, ये एक इंफिनिटी का एरिया बन जाएगा दोस्तों, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है सर समझ में आ गया। एक पता नहीं क्यों काफी बच्चों को मैंने डाउट आ रहा था, अभी मैं इस सेशन में बच्चा सिर्फ जो फेमस डाउट्स थे आपके वो लेके आ रहा हूं। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, संडे को हमारा एक डाउट सेशन होगा। संडे तक आप मुझे डाउट्स भेज सकते, नहीं संडे तक नहीं, फ्राइडे तक आप मुझे डाउट्स भेज सकते हो, ताकि हम संडे के लिए आपका एक डाउट सेशन रख दें। जो हमें अच्छे डाउट्स लगेंगे वो हम उसमें सॉल्व कराएंगे, बट मेक श्योर जो पहले 4-5 चैप्टर हमने पढ़े हैं उन्हीं में से डाउट हो। ऐसा नहीं कि आपका मन किया तो बस सर को तंग करने के लिए कुछ भी भेज दो। काफी बच्चे हैं उनकी मैं प्रॉब्लम समझ रहा हूं, उनके पेपर 30th से पहले हैं, उनके लिए भी हम हेल्प करेंगे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बच्चे आईसीएसई बोर्ड के हैं तो वो भी थोड़े परेशान हैं, लेकिन बच्चा खुद पढ़ते रहो, डाउट्स आए तो शेयर करो ग्रुप पे, हम उसको सॉल्व करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम उसको सॉल्व जरूर करेंगे। तो एक बहुत सारा फेमस बच्चों का हो रखा था कि सर पाई को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाओ। अरे भैया पाई को नहीं कर सकते क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। फिर बच्चे बोल देते हैं कि सर पाई को तो 22/7 लिखते हैं। ये मैंने उस दिन भी बताया था कि 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए हम बोल देते हैं कि ये 22/7 है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की। बच्चे पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, इसीलिए तो इसको एक इरेशनल नंबर बोला जाता है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला टाइप, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन मेरे को आपको करवाने थे, बाकी एक रिमाइंडर थ्योरम वाला क्वेश्चन भी बहुत लोगों को डाउट था, तो वो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चे,
उसमें सिर्फ आपको ये चीज समझनी है कि रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो हमेशा जो डिवाइजर है उसकी डिग्री से कम होगी, और कुछ भी नहीं था उस क्वेश्चन में, सिर्फ ये कैच था कि डिवाइजर की डिग्री से कम होगी। तो आइए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब अगला चैप्टर है हमारा, दैट इज यूक्लिड, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे। एक्चुअल में आपको ये चैप्टर गणित का तो है नहीं, मतलब आता तो ऑब्वियसली गणित में है, लेकिन ये गणित की अंग्रेजी है, मतलब दिस इज इंग्लिश ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो थ्योरी पार्ट है, सिर्फ थ्योरी पार्ट ही है इस चैप्टर में, ज्यादा कुछ पेन उठाने की जरूरत नहीं है। और ये चैप्टर मैम मेरे को पता है कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ना भी जरूरी है दोस्तों। आपको बेसिक्स पता लगेंगे, आपको अच्छी अच्छी कहानियां पता लगेगी इस चैप्टर से, आपको पता लगेगा ये क्या है सर इतना इजी, तो फिर आप कहोगे कि सर इजी चीजें पढ़ाते हैं, लेकिन वो चीजें पढ़नी भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये चैप्टर तब का है, मतलब ये हमारी स्टार्टिंग है मैथमेटिक्स की, तो इसलिए हमें हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। मतलब हिस्ट्री इंग्लिश मैथ सब मिक्स होगा इस चैप्टर में, तो बड़ा मस्त सा रायता फैलने वाला है और मजा आने वाला है। तो आइए समझते हैं क्या है इस चैप्टर में बेटा। देखो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद हम यूक्लिड्स डेफिनेशंस, जो इन्होंने डेफिनेशन दी थी यूक्लिड सर ने हमें, उसकी बात करेंगे, और कुछ चीजें ना उन्होंने अनडिफाइंड बोल छोड़ दी थी वो चीजें उनकी भी बात करेंगे, उसके बाद पोस्टुलेट्स एंड एग्जाम्स की बात करेंगे बच्चे, और फिर एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्चुअली हुआ क्या था मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए ध्यान से, ये चैप्टर में बेसिकली डील किससे करना है आपको, एक तो पांच पोस्टुलेट्स हैं उनको याद करना है, एक आठ एग्जाम है उनको याद करना है, और कुछ भी नहीं है। अब पढ़ते क्यों है, देखिए ध्यान से, आज तो आपको मुझे और आपको और मुझे सबको पता है कि जैसे अल्फाबेट्स की बात करें ए बी सी डी होती है, ठीक है। तो मुझे अगर आपको बताना है तो मेरे पास वेरियस वेज हैं, जैसे मैं बोल के बता सकता हूँ, लिख के बता सकता हूँ, क्योंकि आपको भी वो चीजें पता है। लेकिन आप उस टाइम की सोचिए जब सिर्फ बहुत कम लोगों को पता होती थी चीजें, और उन्होंने चीजें सीखनी स्टार्ट ही की थी, वो अपने से ही ट्राई करते थे, उन्हें नहीं पता होता था कि 1+1 2 होता है, या यू कैन से उन्हें नहीं पता होता था कि एग्जाम जो होते हैं वो क्या होते हैं, या उनको नहीं पता था कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है। अब आपको तो ग्राफ भी पता है क्योंकि आप तो पूनिया सर के स्टूडेंट हो ना, लेकिन उस टाइम क्या था, उस टाइम किसी को पता ही नहीं था। तो क्या हुआ कि बहुत से लोग इसमें जानने की कोशिश करने लगे, तो वो अपनी डिफाइन करने लगे चीजें, लेकिन वो पास ऑन नहीं कर पाते थे। पास ऑन का मतलब, जैसे अगर मान लो कोई, मैंने पढ़ लिया और मैं क्या करता था, मेरे पास वेज नहीं थे जिससे मैं अपनी अगली जनरेशन को बता सकूं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं कैमरे के थ्रू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपके पास चीजें हैं, तो उस टाइम तो कैमरा था नहीं, या वो लिख भी नहीं पा रहे थे कि लीव्स पे लिखते थे, तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं था, तो इसलिए ये चीजें जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हुई नहीं। तो इसलिए यूक्लिड सर ने क्या किया, यूक्लिड सर ने अपनी एक किताब लिखी। यूक्लिड सर कौन थे, एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था एलिमेंट्स। वो बुक इसलिए इंपॉर्टेंट थी बेटा क्योंकि कहा जाता है कि सबसे पहली बुक जो कि एक फेमस बुक हुई और एक बहुत ही यूजफुल बुक हुई, इसलिए वो बुक जो बहुत फेमस और यूजफुल थी, इसलिए उसका मेंशन हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में है कि बताया जा रहा है कि हाँ उनके, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम भी हमें पता है, उसका नाम बोला जाता है बेटा एलिमेंट्स। इस बुक में क्या था बेटा, इस बुक में 13 चैप्टर थे और 13 चैप्टर उन्होंने लिखे थे। देखिए जैसे आप लिख सकते हो, ही डिवाइडेड द एलिमेंट्स इनटू 13 चैप्टर ईच कॉल्ड अ बुक। मतलब कि पहले के जमाने में, यूक्लिड सर के जमाने में, जो चैप्टर था वो चैप्टर नहीं था, वो बुक थी। आपके बुक में चैप्टर है, उनके चैप्टर में बुक थी। बड़ा कंफ्यूजन सा है बेटा कि उनका हर एक चैप्टर को उन्होंने क्या बोला, ये एक बुक है, ठीक है। और यही बुक उन्होंने यूज की ताकि जो उनके पास इंफॉर्मेशन उन्होंने जो निकाली थी, उन्होंने जो फॉर्मूलाज बनाए, उन्होंने जो अजम्पशंस ली, वो हम अगली जनरेशन को पास ऑन कर सके, ठीक है। उन्होंने ज्योमेट्री को एक प्रैक्टिकल फॉर्म में समझाने की कोशिश की। अब देखो ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है ये समझिए। जियो मतलब क्या होता है बच्चे, जियो मतलब आपको पता है, जियो मतलब अर्थ होता है, जैसे जियोलॉजी होता है, जियोग्राफी होता है, तो जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है। एंड मैट्री का मतलब क्या होता है, टू मेजर। तो बेसिकली ज्योमेट्री क्या थी, एक एप्लीकेशन थी। किस चीज की एप्लीकेशन, कि आपको चीजें पता है और उसको आप
थिंग्स विच यू सी इन डेली लाइफ उनके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हो। जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, अगर रिवर्स थी तो वो ओवरफ्लो हो जाती थी, तो उनको अपने क्रॉप्स वगैरह बचाने के लिए बच्चे उन्होंने ज्योमेट्री की हेल्प ली, सन के डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ज्योमेट्री की। तो बेसिक से बेसिक आपको लगता नहीं होगा लेकिन ज्योमेट्री बहुत जगह यूज होती है, ठीक है। तो यूक्लिड सर ने ऐसे सारे 13 चैप्टर्स लिखे बेटा, और हर एक चैप्टर को क्या बोला, एक बुक को बोला। उन्होंने क्या कहा, एलिमेंट वॉज नॉट द फर्स्ट एलिमेंट। एलिमेंट जो थी बेटा, ऐसा नहीं कि वो पहली किताब थी। एलिमेंट क्या, यूक्लिड सर की बुक, वो पहली बुक नहीं थी। बहुत सारी बुक्स और भी लिखी गई थी लेकिन वो फेमस नहीं हुई। क्यों फेमस नहीं हुई, क्योंकि वो या तो गुम गई थी या कोई यूजफुल नहीं थी, इसलिए वो फेमस नहीं हुई। लेकिन एलिमेंट्स बहुत ज्यादा फेमस हुई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। यूक्लिड सर ने कुछ डेफिनेशंस दी, जैसे देखिए ध्यान से, यूक्लिड डेवलप्ड एन ज्योमेट्रिकल नोशन ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट। उन्होंने सबसे पहले सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात की। आप सॉलिड ऑब्जेक्ट को छोड़िए, आप यहां से स्टार्ट करिए। उन्होंने क्या बोला कि अ पॉइंट हैज नो डायमेंशन। पॉइंट क्या है, कोई डायमेंशन नहीं है। हाँ सर, हमें पता है डायमेंशन नहीं है। तो अगर ये पॉइंट है तो ये भी पॉइंट होगा, और ये पॉइंट इस पॉइंट से बड़ा है। बिल्कुल सर, साफ दिख रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों, पॉइंट बड़ा छोटा नहीं होता। पॉइंट ये तो हमें दिख रहा है छोटा बड़ा, इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको थोड़ा बड़ा बनाया है। ऐसा हो ही नहीं सकता। पॉइंट जो होती है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो अगर मैं ऐसे बिल्कुल से ऐसे, अब आपको दिख रहा है क्या, देखो यहां देखिए, इस सर्कल के बीच में देखिएगा, एक पॉइंट दिख रहा है आपको। हाँ सर, छोटा सा पॉइंट। ऐसा एक पॉइंट यहां दिख रहा है, मैंने टच ही नहीं किया तो दिखेगा कहां से। वही पॉइंट है, बट हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें वो विजुलाइज करने के लिए हम बना देते हैं कि ये पॉइंट है, ऐसे पॉइंट है जी, ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। वैसे पॉइंट की कोई डायमेंशन होती नहीं। और लाइन की एक डायमेंशन होती है, आपको पता है लेंथ। सरफेस दो डायमेंशन, और सॉलिड सरफेस की 3 डायमेंशन होती है। सॉलिड सरफेस जैसे मान लीजिए कोई फोन है, या यू नो सॉलिड क्या होता है, आपको पता है उसकी 3 डायमेंशन होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज सोचिए, उन लोगों को ये पता ही नहीं था कि डायमेंशन क्या होती है। उन लोगों को यही नहीं पता था पॉइंट क्या होता है। देखिए ध्यान से, उन्होंने अपनी ज्योमेट्री की चीजों को इन थोड़े पॉइंट्स में समराइज किया। क्या समराइज किया बेटा, कि अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। एक पॉइंट ऐसी चीज है जिसका कोई पार्ट नहीं है। अ लाइन इज अ पर्टिकुलर लेंथ, सिर्फ लेंथ है उसमें, ब्रेथ नहीं है उसमें, ठीक है सर। द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। सर ये तो चीजें बेसिक हैं जो हमें पता है। अरे आपको पता है, उस टाइम में नहीं पता था लोगों को कि क्या हो रहा है यहां, उनको कुछ पता ही नहीं था। अगर आप अभी देखिएगा आगे, और इंटरेस्ट बनेगा इसमें। उन्होंने क्या बोला कि द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। ऑब्वियसली सर मुझे पता है कि ये पॉइंट होते हैं, क्योंकि लाइन पॉइंट से ही बनती है। बिल्कुल सही। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। स्ट्रेट लाइन क्या है बेटा, किससे बनी है, पॉइंट से, वही मैंने आपको बताया। अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सिर्फ सरफेस जो है, सरफेस में क्या होता है, आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि लाइंस के कॉम्बिनेशन, ऐसे लाइंस एक दूसरे के ऊपर रखते जाओगे, अगर मैं यहां पर लाइन रखता जाऊंगा बेटा तो वो क्या बन जाएगा, एक सरफेस बन जाएगा। और द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइंस। ऑब्वियसली जो सरफेस का एंड पॉइंट होगा वो क्या होगा, लाइन। जैसे इस बोर्ड का अगर एंड पॉइंट देखें तो एक लाइन दिखेगी आपको। अगर आप अपने रूम में सामने वाली वॉल पे देखोगे बच्चे, तो आपको जो जो एंड पॉइंट दिखेगा उस वॉल का, वो एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ठीक है। जो आपकी टेरेस और जो वॉल का जो कॉम्बिनेशन है, वो ऐसे कुछ एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ठीक है सर। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। ये जो सरफेस है, जैसे ये जो बोर्ड है, ये एक्चुअली किसका कॉम्बिनेशन है, स्ट्रेट लाइंस का। जैसे ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ये तो मैं ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर दूंगा तो ये सरफेस बन जाएगा। ये सब चीजें बताइए, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। अगर आप फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास के बच्चे को ये सब चीजें बताओगे तो उसे समझ में आएगा। वो कहेगा भैया पॉइंट क्या होता है दीदी, स्ट्रेट लाइन क्या होती है दीदी, सरफेस क्या होता है, लेंथ क्या होती है, उन्हें सही समझ में आएगा। और ऐसा ही उन लोगों के साथ भी हो रहा था। किन लोगों के साथ, जो जिन लोगों को यूक्लिड सर पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे या बताने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है।
तो इसीलिए उन्होंने अपनी कुछ डेफिनेशंस में ही कुछ टर्म्स को अनडिफाइंड छोड़ दिया। जैसे अगर आप केयरफुली स्टडी, वी विल फाइंड दैट सम ऑफ द टर्म्स लाइक पार्ट, लेंथ, ब्रेथ आर नीड नॉट टू बी फर्दर एक्सप्लेन्ड क्लियरली। मतलब कि आपको तो पता है, उन लोगों को नहीं पता था। अगर मान लीजिए कोई डेफिनेशन आपको, आप किसी को कोई डेफिनेशन बता रहे हो या आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो और उस एक्सप्लेनेशन में आप ऐसे वर्ड्स यूज कर लो जिसके मतलब ही नहीं पता, तो क्या एक्सप्लेनेशन समझ में आएगी? ऑब्वियसली सर नहीं आएगी। ये चीजें आपको समझ में आ रही है कि सर क्या बेसिक सी चीज पढ़ा रहे हो, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। तो यूक्लिड सर ने क्या बोला कि कुछ टर्म्स होती हैं जिनको अनडिफाइंड रहने देते हैं, अनडिफाइंड रहने देते हैं। क्यों रहने देते हैं? कि अगर मैं उन चीजों को डिफाइन करने लग गया तो उसमें कुछ और नई चीज आ जाएगी, फिर मुझे वो एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, और अगर मैं उनको एक्सप्लेन करने लग गया तो उसमें कुछ और नया आ जाएगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि वी कैन सी दैट देयर वाज अ चेन ऑफ वर्ड्स व्हिच रिमेन्ड अनडिफाइंड, थस मैथमेटिशियन एग्रीड टू लीव सम ज्योमेट्रिक टर्म्स अनडिफाइंड। उन्होंने क्या कर दिया, कुछ टर्म्स को अनडिफाइंड कर दिया। अभी अनडिफाइंड टर्म्स कैसी हैं, देखिए ध्यान से। जैसे पॉइंट, पॉइंट आपको पता है, आपको तो पता है पॉइंट, लेकिन उन लोगों को नहीं पता था ये अनडिफाइंड टर्म है मैथमेटिक्स में। जैसे लाइन अनडिफाइंड टर्म है, लेकिन इसको हम डे टू डे लाइफ से, जैसे अगर मैं एक पीस ऑफ पेपर को फोल्ड करता हूं तो जो क्रीज बनेगी बेटा उसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, सिंपल। ये चीज यहां लिखिए, इफ यू होल्ड अ पीस ऑफ पेपर देन द क्रीज ऑफ द पेपर इज प्रेजेंट्स अ लाइन, ये सेम बेसिक चीज जो ये लिखी हुई है, ये क्या है, डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल है। तो इसीलिए ये सारी टर्म्स को क्या बोल दिया, अनडिफाइंड टर्म्स बोल दिया। जो अभी मैंने आपको समझाया कि द टर्म यूज्ड इन द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट, लाइन एंड प्लेन फर्दर नीडेड एन एक्सप्लेनेशन और नीडेड टू बी डिफाइंड, इसीलिए क्या हो जाएगा, एक चेन बन जाएगी, और उस चेन को हम क्या बोल सकते हैं कि मतलब बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि कुछ टर्म्स और आ जाएंगे, कुछ टर्म्स और आ जाएंगे, उनको डिफाइन करते रहो तो पागल हो जाएंगे हम। इसलिए हमने क्या बोल दिया कि ये टर्म ऐसी होती है जी चीजें, ये टर्म अनडिफाइंड है। ठीक है सर, फिर क्या हुआ, यूक्लिड सर अज्यूम सर्टेन प्रॉपर्टीज, उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज को अज्यूम किया। देखिए ध्यान से, मैथमेटिक्स का पहला प्रूफ, आप मुझे बताओगे मैथमेटिक्स का पहला प्रूफ किसने दिया था और क्या दिया था, ये आप लोग बताओगे। मैं आपको बता सकता हूं कि उनका एक स्टूडेंट का नाम, बहुत ही फेमस स्टूडेंट थे उनके, उनका नाम मैं आपको अगले लेक्चर में जरूर बताऊंगा, अगले लेक्चर में, ओहो अभी तो आप लोगों को बताया ही नहीं मैंने, क्लास के एंड में बताऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज, फिर आपका देखेंगे, ठीक है। क्लास के एंड तक जरूर देखिएगा बच्चे, लास्ट के 10-15 सेकंड में आपको जरूर बताऊंगा एक इंटरेस्टिंग सी चीज, या पहले बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ चलो अभी बता देते हैं बेटा, आज ये आपका और मेरा अभी कुछ टाइम के लिए, या हम दोनों का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद जो ज्योमेट्री पोर्शन है वो हमारे संयम सर आपको पढ़ाएंगे बच्चे, मैं उसके बाद दोबारा आऊंगा मोस्ट प्रोबेबली, मतलब कि देखेंगे, लेकिन अभी जो प्लान है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हीरोन्स फॉर्मूला से जो चैप्टर है वो वापस है, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो संयम सर आपका ये ज्योमेट्री पोर्शन है, जो लाइन्स एंड एंगल है, सर्कल्स है, क्वाड्रिलेटर्स है, एरिया ऑफ पैरेलोग्राम एंड ट्राइंगल है, वो आपको संयम सर पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब बात कर रहे थे, वापस आए थे चैप्टर पे, यूक्लिड सर अज्यूम्ड सर्टेन प्रॉपर्टीज विच वर नॉट टू बी प्रूव्ड, कुछ प्रॉपर्टीज उन्होंने क्या बोला कि मैं नहीं प्रूव करूंगा, भाई ये होता है ऐसा, ऐसा तो होता है मान लो बस आप, और उन्हीं को क्या किया एक्चुअल में, यूनिवर्सल ट्रुथ बोला उन्हीं को, उन्हीं चीजों को, और वही चीज को उन्होंने फर्दर दो चीजों में डिवाइड किया, जो इस चैप्टर का मेन जिस्ट जो है इस चैप्टर की, वो वही चीज है, क्या कहते हैं उन्हें, पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम, क्या बोलते हैं बेटा, पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम। अब सर पोस्टुलेट अलग, एक्सियम अलग, ये क्या होते हैं ये समझते हैं। ये बेटा ऐसी बातें हैं कि जैसे आप लोगों को पता है कि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं, तो मैंने ये लिख के दे दिया कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। आप लोगों को पता है कि मेरा नाम मोहित पुनिया है, तो मैंने लिख दिया कि माय नेम इज मोहित पुनिया। ये तो बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको ऐसे ही दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी,
यही एक्सियम है, यही पोस्टुलेट है, ऐसे कितने हैं वो अभी देख लेते हैं। आइए देखते हैं यहां से। सर लेकिन ये दो टर्म अलग अलग क्यों है, एक ही नाम रख देते हैं इनका? ऐसा नहीं है दोस्तों, एक्चुअल में क्या था, जो पोस्टुलेट्स थे ना बेटा वो क्या थी, अजम्पशंस थी, किसके लिए, सिर्फ ज्योमेट्री के लिए स्पेसिफिकली। और जो एक्सियम थे बेटा वो पूरी मैथमेटिक्स के लिए उन्होंने यूज किया, नॉट स्पेसिफिकली लिंक टू ज्योमेट्री पोर्शन। ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री पोर्शन, वो एल्जेब्रा से भी रिलेटेड थे तो वो सारी जगह यूज हो जाते थे। तो इसलिए उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, पोस्टुलेट्स विच वर रिलेटेड टू ज्योमेट्री ओनली, और एक्सियम जो थ्रू आउट मैथमेटिक्स में यूज होती थी। ठीक है सर, अब जो यूक्लिड सर के एक्सियम थे वो पढ़ लेते हैं। क्या थे बेटा एक्सियम? बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। जैसे देखिए ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूं कि एक्स जो है वो वाई के बराबर है लेकिन वाई खुद जेड के बराबर है, तो एक्स क्या हुआ, जेड के बराबर हुआ। अब आप सोचिए कि इतनी गरीबी थी, गरीबी इन सेंस कि एजुकेशन की गरीबी थी, बच्चे हम इतने नलायक होते थे, हम नहीं मतलब बहुत 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 साल पहले की बात है दोस्तों, वो कालिया में बोलते हैं बहुत साल पहले की बात है, वैसा सीन है। उन लोगों को ये चीजें भी नहीं पता थी, इसलिए यूक्लिड सर को बोलना पड़ा कि ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है मान लो आप। तो उन्होंने क्या बोला, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे ए जो है वो बी के बराबर है, ठीक है, एंड सी जो है वो भी बी के बराबर है, तो थिंग्स ए और सी जो है विच आर इक्वल टू द सेम थिंग बी के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, ए सी के बराबर है। क्या बता रहे हो सर, ये तो हमें पता है। अरे पता है लेकिन उन लोगों को नहीं पता था, आप ये समझ लीजिए। जैसे अगर मैं आपको आज पढ़ा दूं सर्कल की रेडियस निकालने का फॉर्मूला, बताओ मुझे क्या होता है, तो आपको नहीं समझ में आएगा। कुछ बच्चे हो सकते हैं इंटेलिजेंट हो, ढूंढ के बता देंगे, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है हर बच्चे को, क्योंकि हमें पता ही नहीं सर्कल कैसे बनता है, उसकी रेडियस क्या डिफाइन करते हैं हम, कैसे बनाते हैं सर्कल को, मतलब ऑब्वियसली कंपास से बना लेते हैं वो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन मैं 11th क्लास की ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो सर्कल की रेडियस कैसे निकालोगे सर, कितने पॉइंट से सर्कल पास करता है, कितने मिनिमम पॉइंट चाहिए आपको सर्कल ड्रॉ करने के लिए, ये तो अभी आप सीख लोगे थोड़े दिनों में, लेकिन बहुत सारी चीजें जो आप नहीं बताओगे, टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट आप 10th क्लास में सीखोगे, फिर टेंजेंट की इक्वेशन लिखना सीखोगे 11th क्लास में, ऐसी चीजें आप अभी नहीं बता सकते। यही हाल उन लोगों का भी था, उनको ये भी पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। तो बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग, आपको सब पता है, ठीक है। चलिए तो दूसरा एग्जाम क्या कह रहा है बेटा, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल, मतलब कि अगर कोई दो चीज है वो इक्वल है और उसमें इक्वल अमाउंट में कुछ चीजें ऐड कर देंगे तो जो पूरा पार्ट, जो होल आएगा, जो नया पार्ट बनेगा वो भी बराबर होगा। बेसिक सी चीज है, मतलब कि अगर 2 2 के बराबर है, दोनों साइड 1 ऐड कर दें तो 3 3 के बराबर हो जाएगा, ये चीज इसमें लिखी हुई थी। ठीक है सर, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, जो ऐड किया वैसे सब्ट्रैक्शन का आ गया। चौथा देखते हैं बेटा, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। सर कोइंसाइड का मतलब पॉइंट के ऊपर पॉइंट, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए अगर ये लाइन है, सेगमेंट है ए बी, और यहां पे बीच में एक पॉइंट ले लिया सी, तो जो ए सी लेंथ जो है और प्लस सी बी जो लेंथ है, उस वो जो चीज अगर मैं उठा के इसके ऊपर ए बी के ऊपर रखूंगा तो बराबर आएगी। तो थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। नेक्स्ट देखिए, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब ऑब्वियसली बात है बेटा, होल जो मतलब कि पूरी बॉडी का वो है, पार्ट से बड़ा है। बेसिकली यू कैन से कि अगर मान लो ए प्लस बी सी के बराबर है, और यू कैन से सर 1 + 2 3 के बराबर है, द होल 3 इज ग्रेटर देन द पार्ट्स, 2 से भी बड़ा है और 1 से भी बड़ा है। बेसिक चीजें जो आपको पता है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, बिल्कुल सही सर, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, बिल्कुल सही सर, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। इफ द फर्स्ट थिंग इज ग्रेटर देन द सेकेंड एंड द सेकेंड इज ग्रेटर देन द फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड, सिंपल। मैं आपसे बड़ा,
और आप अपने छोटे भाई बहन से बड़े, तो मैं आपके छोटे भाई बहन से बड़ा हुआ? हाँ सर, सिंपल सी बात है, वही चीज यहां लिखी हुई है, थिंग्स विच आर ग्रेटर देन द फर्स्ट थिंग एंड थिंग्स द फर्स्ट, इफ द फर्स्ट थिंग इज ग्रेटर देन द सेकेंड थिंग एंड द सेकेंड थिंग इज ग्रेटर देन द थर्ड थिंग, तो फर्स्ट थिंग इज ग्रेटर देन द थर्ड थिंग। बेसिक चीजें, यही यूक्लिड सर के एग्जाम्स थे बेटा। मतलब एग्जाम्स तो बहुत सारे थे, लेकिन हमारे सिलेबस में इतने ही हैं, तो हम इतने ही पढ़ रहे हैं। और हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, अरे सर क्यों पढ़ा रहे हो सर, ये चैप्टर तो रिमूव कर दिया गया है। अरे कोई बात नहीं, पढ़ लो, अंग्रेजी की क्लास है, गणित की थोड़ी ना है। तो आइए कुछ पोस्टुलेट्स की बात कर लेते हैं बेटा। यूक्लिड सर ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, देखिए ध्यान से, क्या है, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक पॉइंट यहां है और एक पॉइंट आपके रूम में है, तो उन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। वही चीज यहां लिखी हुई है, यूक्लिड सर ने बता दिया, ऐसा बोल दिया लोगों को कि ऐसा होता है जी। लोगों ने कहा ठीक है जी मालिक, हमें कुछ नहीं पता, हमें आपने बता दिया तो हम ज्ञानी बन गए। अब जो मेरे अगली जनरेशन होगी उनको मैं बता दूंगा कि अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो दो पॉइंट आपको मिल जाने चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। यूक्लिड सर ने जो बोला, लाइन सेगमेंट आज टर्मिनेटेड लाइन, जो लाइन सेगमेंट आप आजकल की भाषा में लाइन सेगमेंट जो बोलते हैं उसको ही क्या बोला गया, टर्मिनेटेड लाइन, ठीक है। ऑल सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, ठीक है। बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि सर्कल कैन बी ड्रॉन, इसको ऑल को ड्रा लो, सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कहीं पे भी सेंटर लीजिए और कहीं पे भी रेडियस लीजिए, कितनी भी रेडियस लीजिए, आप एक सर्कल जरूर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है सर। ऑल द राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, 90 डिग्री तो 90 डिग्री के बराबर होगा। उसी चीज को यहां बोल दिया उन्होंने कि हाँ 90 डिग्री इज इक्वल टू द वन अनदर, ठीक है। ये लास्ट वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है, ये समझ में थोड़ा कम आएगा, लेकिन इसको ही समझना है, इस चैप्टर में सबसे टफ यही है और यही बहुत बेसिक है। देखते हैं ध्यान से क्या कह रहा है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन, इफ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए मेरा एक ये हाथ है और एक दूसरा हाथ है, ये दो स्ट्रेट लाइन है, ऐसे कोई दो स्ट्रेट लाइन है, इनके ऊपर एक और स्ट्रेट लाइन आ रही है, गिर रही है, फॉल कर रही है, देन लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट। क्या, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट, मान लीजिए जैसे अगर आपके पास दे रखा है, हाँ देखिए ध्यान से, एक स्ट्रेट लाइन ये है, लेट अस अज्यूम, और एक स्ट्रेट लाइन ये है, इनके ऊपर एक दूसरी स्ट्रेट लाइन आ रही है बच्चे, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, लेट अस अज्यूम, तो इंटीरियर एंगल्स कौन से बने, एक तो ये ग्रुप बना इंटीरियर एंगल्स का, और दूसरा ग्रुप कौन सा बना, ये वाला ग्रुप बना। तो यूक्लिड सर ने क्या बोला कि जो इंटीरियर एंगल्स का सम करें हम, ठीक है सर सम करते हैं, और अगर सम जिस साइड 180 डिग्री से कम होगा, किससे कम, 180 डिग्री से कम होगा, उसी साइड दोनों लाइन मिलेंगी। क्या, उसी साइड दोनों लाइन मिलेगी, हाँ बिल्कुल। देखिए ध्यान से, ये तो आपको भी पता है बेटा, देखिए ध्यान से, जैसे ये 1 और 2 का सम, ऑब्वियसली इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम करेंगे तो 180 डिग्री से ज्यादा आ जाएगा, और ये सम जो है वो 180 डिग्री से कम आएगा। जैसे ही कम आएगा, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों लाइन जो है आगे जाके कहीं ना कहीं यहां पे एक पॉइंट पे मिल जाएंगी, और यहां पे कभी नहीं मिलेगी। कहां पे नहीं मिलेगी, जहां पे सम इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से ज्यादा हो। समझ में आया, सिंपल सी बात है बेटा कि अगर दो लाइन ड्रॉ करते हो, उसके ऊपर तीसरी लाइन आ रही है, और अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम हुआ, तो वी कैन से कि कहीं ना कहीं जाके वो पॉइंट एक पॉइंट पे मीट करेंगी, ठीक है सर। समझ में आया, 180 डिग्री हुआ तो क्या होगा, अगर एग्जैक्टली 180 डिग्री हुआ बच्चे, तो वो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्या देख रहे हैं बेटा, थ्योरम। थ्योरम का क्या मतलब हुआ सर, देखो थ्योरम एक ऐसी चीज होती है जिसको हमें पहले प्रूव करना होता है, वो प्रूव करते ही उसके बाद उसको यूनिवर्सल ट्रुथ मान लेते हैं। मतलब कि हमें ये जरूर पूछ सकते हैं कि प्रूव दिस थ्योरम, लेकिन हमें ये नहीं पूछ सकते कि प्रूव दिस एक्सियम। एक्सियम या पोस्टुलेट को हम प्रूव नहीं करते हैं दोस्तों, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। थ्योरम को हमसे पूछा जा सकता है कि प्रूव दिस थ्योरम,
हम उसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में अप्लाई करना है तो हम थ्योरम को भी अप्लाई कर सकते हैं विदाउट इट्स प्रूफ। तो आप लिखते हो ना यूजिंग दिस थ्योरम। अभी ज्योमेट्री पोर्शन में आप सीखोगे, वैसे तो आप पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा यूजिंग दिस थ्योरम, तो वहां थोड़ी ना कि क्वेश्चन के अंदर ही थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना, तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाती है। ठीक है, Euclid used his postulate and axioms to prove one other results. मतलब कि जो axiom थे और postulates जो थे उनका use करके theorem को prove किया गया. Then using the results, he provided some more results by applying deductive reasoning. Okay, deductive reasoning मतलब कि उस चीज से कुछ निकाला. ठीक है सर. The statements were proved and are called as theorem or propositions. ठीक है, अब उन्होंने नाम अलग दिया था, हम उसको थ्योरम नाम से जानते हैं। तो जैसे देखिएगा ध्यान से, थ्योरम ऑन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस की बात कर लेते हैं बच्चे। वो क्या कह रहे हैं कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस मे और मे नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट। दो अलग अलग लाइन के अंदर कोई कॉमन पॉइंट हो या ना हो, मे और मे नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट, कि या तो होगा कॉमन पॉइंट या नहीं होगा। एंड इफ दे हैव, अगर कॉमन पॉइंट है तो इट इज एग्जैक्टली वन। सिंपल सी बात क्या हुई बच्चे, कि अगर दो लाइन है, अलग अलग लाइन है, तो मैक्सिमम एक कॉमन पॉइंट होगा, एक कॉमन पॉइंट से ज्यादा नहीं हो सकता। जीरो हो सकते हैं, हाँ सर, एक मैक्सिमम होगा, उससे कम हो सकते हैं, जीरो कॉमन पॉइंट हो सकते हैं। नेगेटिव होंगे, अरे कोई नंबर नेगेटिव, मतलब नेगेटिव थिंग्स होती हैं क्या, मतलब गिव मी -100 रुपीज, ऐसा थोड़ा होता है, मतलब या देर आर -10 पॉइंट्स, ऐसा नहीं होता ना, या तो 0 पॉइंट या 1 पॉइंट। ठीक है, तो उन्होंने यही बोला, क्या बोला कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। ठीक है सर, इसको प्रूव करने के लिए बेसिक है बेटा, देखिए ध्यान से, रीजनिंग का यूज किया गया है, मैथमेटिक्स का यूज नहीं, रीजनिंग का यूज किया गया है, कॉमन सेंस का यूज किया गया है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है बेटा, टू डिस्टिंक्ट लाइंस दे रखी है, कौन कौन सी है, एल और एम, या तो उन्हें एक कॉमन पॉइंट होगा या फिर एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। मैक्सिमम कितने होंगे दोस्तों, एक होंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस, जिन्होंने नाम सुना है वो बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस तो होती है ना सर। अरे बेटा, कोइंसिडेंट लाइन को डिस्टिंक्ट लाइन नहीं बोल सकते, वो लाइंस एक दूसरे के ऊपर है, वो सेम लाइन होती है, लिखने के तरीके अलग हैं लेकिन लाइन तो सेम है। जैसे ही लाइन सेम हुई तो हम उनको डिस्टिंक्ट लाइन नहीं बोल सकते। ठीक है सर, देखिए ध्यान से, हमें क्या प्रूव करना है कि एल एंड एम जो लाइंस है हैव एटमोस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन। ठीक है सर, क्या प्रूव किया बेटा, देखो लाइन एल एंड एम को हमने क्या बोला, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पी एंड क्यू इन कॉमन। हमने अज्यूम कर लिया कि उनके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, कौन कौन से, पी और क्यू। इसका मतलब क्या हुआ, एल कंटेन्स द पॉइंट पी एंड क्यू, बिल्कुल सही सर, एंड ऑल्सो लाइन एम कंटेन्स द पॉइंट पी एंड क्यू। पी एंड क्यू एल पे भी आ रहे हैं, पी एंड क्यू एम पे भी आ रहे हैं। ठीक है, बट there is one and only one line passing through the two distinct points. कहां से पता लगा हमें ये चीज, हमें ये चीज पता लगी बेटा यूक्लिड सर के एक्जियम से, नहीं सॉरी, यूक्लिड सर के कहां गया, हाँ नहीं नहीं यूक्लिड सर के पोस्टुलेट से पता लगी। कौन से पोस्टुलेट से, ये लिखा हुआ देखो, पहला पोस्टुलेट क्या लिखा हुआ है, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, तो मुझे यहां से ये पता लग गया। ठीक है सर, तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं यहां पे कि वी नो दैट देर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है सर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एल एंड एम जो लाइन्स हैं वो क्या होंगी, देखो एल भी पी एंड क्यू से पास कर रही है, एम भी पी एंड क्यू से पास कर रही है, तो वी कैन से कि एल और एम दो अलग अलग लाइन नहीं है दोस्तों, क्या है, एक ही लाइन है सर, ये एक ही लाइन हुई, तो वी कैन से एल एंड एम आर सेम लाइन। लेकिन हमने क्या अज्यूम किया था कि L एंड M तो क्या है, अलग अलग है, तो हमने अपनी ही जो अजम्पशन थी उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि जो हम चीज बीच में प्रूव कर रहे थे, बीच में वो प्रूव कर रहे थे वो गलत होगी।
या यू कैन से हमारा अजम्पशन गलत होगा, जो चीजें हमने बीच में प्रूफ की वो तो सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि L और M जो है उनमें मैक्सिमम एक पॉइंट इन कॉमन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो यही कॉन्ट्राडिक्शन से हमने प्रूव कर दिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं बेटा यूक्लिड सर का जो फिफ्थ पोस्टुलेट है कौन सा बेटा, दो लाइंस के ऊपर तीसरी लाइन सम इंटीरियर एंगल 180 से कम, तो वहीं अगर उसी साइड अगर एक्सटेंड करें लाइन को तो वो कोई ना कोई पॉइंट पे मीट कर जाएंगी। ठीक है सर, लेकिन यूक्लिड सर के फिफ्थ पोस्टुलेट का इक्विवेलेंट वर्जन बहुत सारे आए, बहुत सारे लोगों को वो समझने में दिक्कत हुई। जैसे कुछ बच्चे आप में से भी होंगे कि यार सर ये क्या बढ़ा रहे हो सर, तो बेटा ऐसे उन लोगों को भी हुआ। तो बहुत सारे पोस्टुलेट्स आए किस चीज के, फिफ्थ के इक्विवेलेंट पोस्टुलेट्स बहुत सारे आए। ठीक है, उनमें से एक हम पढ़ रहे हैं बेटा, वो क्या कह रहे हैं देखिए ध्यान से। For every line L and for every point P not lying on L, there exists a unique line M. क्या? There exists a unique line M passing through the point P and parallel to L. अरे सर ये तो समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। देखिए उसमें हमने बात की थी कि दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और 180 डिग्री का क्या बनेगा, जहां से 180 डिग्री से कम बनेगा वहीं पे दोनों लाइंस आगे जाके मीट कर जाएगी। और ये चीज थोड़ा सा उससे रिलेटेड ही है। क्या कह रहा है बेटा, मान लीजिए कोई एक लाइन है, लेट अस अज्यूम ये जो मार्कर है वो एक लाइन है L, ठीक है, ऐसे एक्सटेंड हो रही है एक लाइन है L, ठीक है सर, इसके ऊपर यहां पे कोई पॉइंट है लेट अस अज्यूम P। वो क्या कह रहा है कि P पॉइंट में से एक ही लाइन ऐसी होगी जो इस लाइन से पैरेलल होगी। ये तो हमें पता है सर, अरे यही तो पता तो है, पता होगी चीजें तो पढ़ रहे हैं दोस्तों हम इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हमने वही चीज पढ़ी जो हमें पहले से पता थी। क्यों पढ़ी? क्योंकि लोगों को पता नहीं थी। किसको पता थी? यूक्लिड सर को पता थी, ठीक है। तो यही सेम चीज इसका यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट कह रहा है। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, देखो इसमें फेमस क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता देता हूं। पहला क्वेश्चन, राइट एनी फाइव पोस्ट दिस एक्सियम्स एंड थ्री पोस्टुलेट्स। सेकेंड क्वेश्चन, यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट जो है उसके इक्विवेलेंट वर्जन लिखिए। थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसे टाइप का पूछ लेंगे। अब ऐसे मत करिएगा, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इफ ए बी एंड सी आर द थ्री पॉइंट्स ऑन लाइन एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, क्या दे रखा है, ए बी एंड सी आर द थ्री पॉइंट्स ऑन अ लाइन, लेट अस अज्यूम ए बी एंड सी आर द थ्री पॉइंट्स लाइंग बिटवीन ए सी, बी लाइज बिटवीन ए सी, सॉरी इतने छोटे से क्वेश्चन में भी गड़बड़ी कर दी है वो सर। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है कि ए बी, बी जो है बेटा वो किसके लाई कर रहा है, ए सी के बीच में, सही किया था, ए सी के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। देन प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो आपको तो पता है बेटा ए बी प्लस बी सी अगर हम करेंगे तो किसके बराबर आएगा, ए सी के बराबर आएगा। लेकिन इस चीज में क्या यूज हो रहा है, यूक्लिड सर का एक्सियम यूज हो रहा है। कौन सा एक्सियम यूज हो रहा है ये देखिए ध्यान से, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, ये देखिए ध्यान से, थिंग्स विच को इंसाइड विद वन अनदर R equal to one another. यही चीज हमने इस क्वेश्चन में भी यूज की। आइए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, यूजिंग यूक्लिड सर एक्सियम, थिंग्स विच को इंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, वी कैन से दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। हम आर्मी एरिया में रहते हैं, ऊपर से जा रहे हैं, प्लेन व्लेन जा रहे हैं, अगर कोई साउंड आती है तो इग्नोर करिएगा, वैसे आती नहीं है ये साउंड, चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, इन द फिगर इफ ओ एक्स इज हाफ ऑफ एक्स वाई, ओ एक्स इज हाफ ऑफ एक्स वाई, पी एक्स इज हाफ ऑफ एक्स जेड एंड ओ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, ठीक है सर, देन यूजिंग यूक्लिड्स एक्सियम शो दैट एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड।
देखिए ध्यान से, आपको क्या दे रखा बेटा, ओ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। बिल्कुल सही सर, ये आपको पहली कंडीशन दे रखी है। सेकंड देखिए ध्यान से, क्या दे रखा है बेटा, ओ एक्स जो है वो एक्स वाई के हाफ भी है। ठीक है सर। और तीसरी कंडीशन से हम क्या बोल सकते हैं कि पी एक्स जो है वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ एक्स जेड दे रखा है आपको। बिल्कुल सर। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों इक्वेशन से आप क्या बोल सकते हो कि कैन वी से कि सिंस वन एंड टू थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, तो पी एक्स भी ओ एक्स के बराबर है और हाफ ऑफ एक्स वाई भी ओ एक्स के बराबर है, तो यहां से इन दोनों से हम क्या बोल सकते हैं बेटा, वी कैन से कि पी एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन, अच्छा ये इक्वेशन नंबर थ्री थी, अगर ये इक्वेशन नंबर फोर है बच्चे, तो यूजिंग थ्री एंड फोर थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, तो पी एक्स इसके बराबर भी है, पी एक्स इसके बराबर भी है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ एक्स जेड, हाफ ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स वाई। बिल्कुल सही। इफ हाफ आर इक्वल देन देयर डबल्स आर, या इफ पार्ट आर इक्वल तो देन देयर डबल्स आर इक्वल, तो अगर ये दोनों चीजें इक्वल है, इनके डबल्स भी इक्वल होंगे, जैसे इनके डबल्स करेंगे तो क्या आएगा, एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स वाई, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है सर, यही हमें प्रूव करना था, एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड। तो बेटा बस ये बेसिक सा चैप्टर था, इस चैप्टर के साथ हमारा अभी फिलहाल ये सफर खत्म होता है बच्चे। हम आपको मिलेंगे हीरोन्स फॉर्मूला के चैप्टर के साथ, तब तक आप ज्योमेट्री पोर्शन जो है संयम सर आपको आगे मैथमेटिक्स आपको सिखाएंगे, लेकिन संडे को एक इम्पॉर्टेंट डाउट सेशन है वो मैं लूंगा, और आपके जो डाउट्स आएंगे उनको हम फिल्टर आउट कर लेंगे, और जो हमें अच्छा लगेगा, आपके अच्छे के अकॉर्डिंग नहीं सोचेंगे हम, हमें जो अच्छा लगेगा वो डाउट हम आपको समझाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, जो मैक्सिमम बच्चे डाउट पूछेंगे वो हम आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्चे, थोड़ा सा इंतजार करिएगा संडे तक का, और सही आंसर से जरूर पढ़िएगा, देखिएगा, ज्योमेट्री सीखने की कोशिश करिएगा। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही दोस्तों, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।